नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका पूरा ही परिवार इन दिनों काफी दर्द से गुजर रहा है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया इस वक्त दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। लंग्स इन्फेक्शन हुआ है माधवी राजे सिंधिया को। बीते 12 दिनों पहले ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि सिंधिया को गुना सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन वह चाहते हुए भी राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिंधिया ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी माँ को दे रहे हैं, उनके साथ वक्त बिता रहे हैं। उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर है माधवी राजे सिंधिया, और ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया ना चाहते हुए भी राजनीति में अब एक बार फिर से कदमों को बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें टिकट दिया गया है गुना सीट से, जो उनका गढ़ मानी जाती है, गुना शिवपुरी का वह दौरा करने पहुंचे हैं, जहां एक तरफ उनकी मां बीमार है, दूसरी ही तरफ वह गुना पहुंच चुके हैं, ग्वालियर में जो हवाई अड्डा बनने जा रहा है उसको लेकर ऐलान करते हुए नजर आए हैं, जो ओलावृष्टि हुई है ग्वालियर के इस साइड में, और ऐसे में देखा जाए तो उस ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के क्षेत्रों में पहुंचकर वह अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। तो सुनिए जरा सिंधिया यहां पर क्या कुछ कहते हैं, और साथ ही साथ अपने दर्द को भी उन्होंने छलकाया। वह कहते हैं कि मेरी मां बीमार है और इसी वजह से मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा था, लेकिन आप सभी के बीच भी, आप सभी मेरे भाई बहन और माता पिता हैं, ऐसे में आप सभी को भी नहीं छोड़ सकता। तो सिंधिया यहां पर सभी चीजों को देखते हुए कदमों को बढ़ा रहे हैं। सुनिए जरा सिंधिया ने क्या कुछ कहा। किसानों को मदद कर लें ताकि उस किसान क्रेडिट पोर्टल पर रेखांकित कर लें कितना नुकसान हुआ है, ताकि वो बीमा राशि भी मेरे किसानों को मिल पाए। ये मेरा दूसरा निवेदन है। और मेरा तीसरा निवेदन कि भेटाघाट में कृषि प्रधान क्षेत्र तो है ही, ज्यादा करके हमारे अन्नदाता यहां रहते हैं, पर भेटाघाट में हमारे कुछ श्रमिक भी रहते हैं, और ये इतने बड़े बड़े ओले गिरे हैं, जो अभी हमारे एक दादा कह रहे थे कि 2 किलो 700 ग्राम, सात ओले कि उनके टपरे भी पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। तो जिन श्रमिकों के टपरे नष्ट हुए हैं, थोड़ा मदद प्रशासन से भी उनके टपरों के लिए। ये शायद पहली बार 2,25,000 स्क्वायर फुट का हवाई अड्डा, और जिसका शिलान्यास गृह मंत्री जी ने 16 अक्टूबर 2022 को किया था, और जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा रिकॉर्ड टाइम 16 महीने के अंदर देश के 75 वर्षों में एक भी हवाई अड्डा 16 महीने में नहीं बना है। अगर बना है तो केवल आपका और हमारा ग्वालियर का हवाई अड्डा बना। इसके पहले रिकॉर्ड था अयोध्या का हवाई अड्डा, जो हमने प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार 20 महीने में बनाया, पर परसों या तरसों 10 तारीख को उस रिकॉर्ड को भी हम तोड़ेंगे, जब ग्वालियर का हवाई अड्डा 16.5 महीने में तैयार होकर लोकार्पण होगा। आपने सुना कि सिंधिया यहां पर डंगे की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से यहां पर सिंधिया गुना से जीत हासिल कर पाएंगी या फिर नहीं। 2019 में गुना से वह चुनाव लड़ी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से देखा गया कि कांग्रेस की तरफ से वह हार गए, और केपी यादव जो उतारे गए थे बीजेपी की तरफ से, उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी खेल खेल दिया। बीजेपी ने केपी यादव को हटाकर सिंधिया को अब उम्मीदवार बनाया। देखते हैं कि सिंधिया यहां से किस तरह से जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।